गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगामा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों को शामिल किया गया। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार तो लगातार गंभीर और ठोस प्रयास कर रही है। सरकार के इन प्रयासों को कॉरपोरेट जगत की तरफ से भी सराहा जा रहा है और इसमें अपनी भागीदारी की जा रही है। इसी क्रम में रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट को हिंदुजा समूह के अशोक लीलैंड लिमिटेड और इसके कार्यान्वयन भागीदार लर्निंग लिंक फाउंडेशन की पहल से यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के समग्र विकास के लिए रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में चरगामा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों के 17,781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित छात्र छात्राओं को उपहार एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि होती है वह शिक्षा है। शिक्षा किसी भी समर्थ राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि के आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को तकनीक के माध्यम से सरल और प्रभावी बनाया गया है, जिससे छात्रों का मानसिक और शारीरिक विकास से विकास हो रहा है। सशक्त और समर्थ राष्ट्र की शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि के आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा, एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सके यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सके। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके सेसार मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या पांचवी क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो छठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था।
छठी सातवीं आठवीं क्लास भी उसने पास कर ली तो नौवीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि नौवीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30 फीसदी मात्र रह पाती थी और उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। आज एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए पढ़े थे जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सके इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए मैं जाता था इस अलग अलग क्षेत्रों में, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। आवासीय बालिका विद्यालय जंगल कौड़िया से आर्या क्लास 6 की छात्रा और तालियों के साथ एक क्षण को आप सभी छात्र एवं छात्राएं अभिभूत करें। नेक्स्ट जंगल कौड़िया केजीबीवी से क्लास 6 की छात्रा अनुष्का। शीला क्लास 6